बिसम असल डियर स्टूडेंट्स होपफुल आप सब खैरियत से होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच एज स्टेट ऑफ मैटर और इसमें मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केसेस बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आउट दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस वट इज़ मैटर मैटर इज़ एनी थिंग दैट हैज़ वॉलीम एंड मैस कोई भी चीज़ जिसका स्पेसिफ़िक वॉलीम होता है या उसका स्पेसिफ़िक मैस होता है उसको हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं ठीक है थीके? वॉल्यूम से मुराद क्या होता है वॉल्यूम uh, असल में वो अमाउंट होती है सब्सटेंसेस की या एटम्स की जो कि उसने किसी भी ऑब्जेक्ट्स ने उसको ऑक्योपाई किया होता है लाइक like, uh, किसी भी चीज़ ने किसी भी सब्सटेंस ने किसी भी एटम ने मॉलिक्यूल ने कितनी जगह घेरी हुई है दैट इज़ इट्स वॉल्यूम ठीक है जबकि मास क्या होता है मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर दैट समथिंग इज़ मेड ऑफ कोई भी स्टेट ऑफ मैटर या कोई भी सब्सटेंस कितनी चीज़ से मिल के बना हुआ है कितने एटम से मिल के बना है वो कितना ज़्यादा हैवियर है वो उसका मास कहलाता है जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती है स्टेट ऑफ मैटर ठीक है मैटर क्या आ जाती है एनीथिंग दैट हैज़ वॉल्यूम एंड मास अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर थ्री मेन स्टेट्स में पाया जाता है फर्स्ट वन इज़ सॉलिड सेकेंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैस ठीक है ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं मेनली और ये किस बेसिस पर होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर या सिंपली uh, हम ये कहेंगे कि मोलिक्यूल uh, के या किसी भी सबस्टेंस के मास और उसके वॉल्यूम की बेसिस पर हमारे पास थ्री मेन स्टेट ऑफ मैटर आ जाती हैं ऑल दो अनदर वन इज़ प्लाजमा स्टेट बट मेनली जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की तो हम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर लेते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड की बात करें अगर हम आपको यहाँ पे इमेज में शो भी हो रहा है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है ठीक है इनके अंदर मॉलिक्यूल में स्पेसेस नहीं होते ठीक है ये हार्ड होते हैं स्पेसिफिक uh, ऑर्गेनाइजेशन uh, होती है मॉलिक्यूल अरेंज हुए हुए होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ एटम्स जुड़े हुए होते हैं ठीक है इनको फर्दर आप कंप्रेस नहीं कर सकते इन पे फोर्स uh, अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे भी तो ये कंप्रेस नहीं होंगे ये एक दूसरे के और करीब नहीं जा सकते ये ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं जबकि दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जो सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है विच इज़ लिक्विड स्टेट सॉलिड जो है वो ऑब्वियसली फिक्सड शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है जबकि लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी फ़िक्स शेप नहीं होती इसकी एग्जांपल आप ऐसा ले लें फॉर एग्जांपल वाटर को ले लें आप जिस कंटेनर में भी वाटर को डालेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ठीक है फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास में से वाटर को एक जग में डाल रहे हैं या किसी भी बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज इसके uh, किस में चेंज आएगा वॉल्यूम में चेंज नहीं आता बट उसकी शेप में चेंज आ जाता है ठीक है उसकी शेप चेंज हो जाती है आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनकी फ़िक्स शेप नहीं होती वो जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी शेप का हो जाएगा ठीक है ये भी कंप्रेसिबल नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि इसमें भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं इतने करीब नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं बट एज़ कम्पेयर टू गैसेज लिक्विड्स में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ठीक है इनमें भी इंटरमोलिकुलर फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस uh, की ना फिक्स शेप होती है और ना ही फ़िक्स वॉल्यूम होता है ठीक है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं होते इनके दरम्यान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है ठीक है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड गैसेज़ हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और इनके दरम्यान में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं ठीक है ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं इसी वजह से आप इनको कंप्रेस भी कर सकते हैं इन पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जब आप इन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे अब देखें आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि मोलिक्यूल्स इतने डिस्टेंस पे एक दूसरे से कि जब आप इन पर फोर्स अप्लाई करेंगे या सिंपली मैं ये कहूँगी कि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से मोलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसी तरह से ये कंप्रेसिबल होते हैं इनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है ठीक है रिवाइज कर लेती हूँ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड इन गैस सॉलिड की फ़िक्स शेप होती है फिक्स वॉल्यूम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होती हैं और इनके दरम्यान में स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होती ठीक है लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती और इंटरमोलिकुलर फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वीक होती हैं बट गैसेज के मुकाबले में स्ट्रॉग होती हैं और स्पेसेस इनमें भी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्पेसिस थोड़ी सी होती हैं लेकिन गैसेस के मुकाबले में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती और गैसेस जो हैं वो इनकी कोई फ़िक्स शेप uh, भी नहीं होती और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता नाउ मूविंग टूवर्ड्स गैसेस गैसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया नो डेफिनेट शेप एंड वॉलीम कोई डेफिनेट शेप नहीं होती कोई डेफिनेट वॉलीम या मास कुछ भी नहीं होता और ये जो है मॉलिक्यूल्स मतलब आप ये कहेंगे कि ये लूजली uh, बॉन्डेड होते हैं फ्रीली मूव कर रहे होते हैं फ्रीली मूव कर रहे होते हैं डिस्टेंस से मूव कर रहे होते हैं ठीक है थीके? फिर इसके बाद आ जाता है कि अगर हम अट्रैक्टिव uh, फोर्सेस की बात करें तो इनके दरम्यान में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ये एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंटली फॉर वे एक दूसरे से डिस्टेंस पे मूव कर रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें एयर का मिक्सचर ले लें ठीक है या जो और डिफरेंट गैसेस हैं या वाटर वेपर्स हैं जो गेशियस स्टेट में होते हैं उनकी आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि वो भी क्या है गेशियस स्टेट आ जाती है जिसमें कोई बॉन्ड्स नहीं होते वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं ठीक है फिर इसके बाद आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर दो मेन फैक्टर्स आ जाते हैं द फोर्सेज इंटर एंड इंट्रा इंट्रामिकुलर फोर्सेज की वजह से मोलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के करीब होते हैं ठीक है इंट्रा एंड इंटरा मोलिकुलर फोर्सेज का हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेज जो है वो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मोलिक्यूल होती है और इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस भी होती हैं जो एक मोलिक्यूल की दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन होती हैं ठीक है फिर इसके अलावा अगर हम बात करें गैसेस uh, की काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर ये दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं एक तो इंटरमोलिकुलर फोसेज और इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की अगर हम बात करें और दूसरी आ जाती है इनकी काइनेटिक एनर्जीज जिसकी वजह से ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं हम uh, आसान लफ्सों में हम ये कहेंगे कि जो गैसेज होती हैं उनके दरम्या में इंटरमोलिकुलर फ़ोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो वीक होती हैं तभी मोलिकुल्स एक दूसरे के करीब नहीं होते ठीक है और दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि काइनेटिक इनर्जी इनके मॉलिक्यूल्स के दरमिया में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो आपस में कोलाइड भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं ठीक है काइनेटिक एनर्जी टेंस टू पुल पार्टिकल्स अपार्ट जैसे मैंने आपको बता दिया काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे होंगे जैसे अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब हैं जैसे जैसे आप आ, अगर हम आमतौर पर देखा भी होगा अगर हम वाटर को हीट करते हैं वाटर पहले लिक्विड स्टेट में जैसे हम हीट करते हैं तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग से क्या होता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही वह इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं जब वो आपस में कोलाइड करते हैं टकराते हैं जिसकी वजह से वही एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं यहाँ पर अब आपको क्या शो किया गया एक कंटेनर है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि गैसेस प्रेजेंट हैं और गैसेस जो हैं वो ऑब्वियसली कंटिन्यूसली कोलाइड कर रही होती हैं आपस में भी कोलाइड कर रही होती हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर रही होती हैं और ये बात मैंने आपको बता दी है गैसेज हैव अ हायर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द आर पार्टिकल्स मूव अ लॉट मोर देन इन अ सॉलिड और लिक्विड स्टेट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द गैस फास्टर एंड दस कानेटिक एनर्जी इंक्रीज ओके okay. फिर एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है गैसेस के अंदर एक्सपेंशन हो जाती है गैसेस एक्सपेंड हो जाती हैं एक दूसरे से डिस्टेंस पे चली जाती हैं ठीक है रैंडम मोशन में मूव करी होती हैं कोई इनके दरम्या में अट्रैक्शन नहीं होती और एक और चीज़ मैं आपको बताती कि गैसेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लूइड्स गैसेस और लिक्विड्स दोनों को ही फ्लूइड्स कहा जाता है क्यों क्योंकि फ्लूइड्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की तो गैसेस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये फ़्लो करते हैं इनके दरमान में अट्रैक्शन नहीं होती और इनकी डेंसिटीज़ भी बहुत कम होती हैं डेंसिटीज़ के बारे में बता दूँ डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी कोई भी चीज़ कितनी हैवियर है नॉर्मली अगर मैं आसान अफसों में आपको ये बताऊँ आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ कितनी हैवी है उसकी डेंसिटी आ जाती है किसी भी चीज़ के किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास इकट्ठा हुआ हुआ है वो उसकी डेंसिटी आ जाती है इसका ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल भी आ, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती इनके दरम्यान में बहुत ज़्यादा एमपटी स्पेसेस होते हैं और इन्हीं एमपटी स्पेसेस की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है कम होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं ठीक है अब यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है फ्रिक्वेंटली मूव कर रहे हैं जैसे ही किसी भी कंटेनर का जब आप ढक्कन खोलेंगे या वट ओपनिंग जो है वो उसकी आ, उम, जो ओपनिंग uh, है उसमें से जब गैस के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे तो मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होने की वजह से वो इवेली uh, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे उस कंटेनर uh, में या उस रूम में या जहाँ पे भी गैस फ्रिक्वेंटली मूव कर रही हैं ठीक है गैसेस कैन भी कंप्रेस्ड मैंने आपको बता दिया है गैसेज क्यों कंप्रेस्ड हो सकती हैं होती हैं गैसेज अंडर डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन अब डिफ़्यूजन और इफ्यूजन के बारे में बता बत बात करेंगे लेकिन डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता क्या है गैस के मॉलिक्यूल्स का मूव करना ठीक है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है डिफ्यूजन या इफ्यूजन कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है गैसेस आर कम्प्रेसिबल गैसेस के अंदर ज़ाहिर स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करने का क्या होता है कि इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं फोर्स सिंपली किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है और वह जब गैसेस के अंदर जब वह गैसेज़ के अंदर जब वो प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस प्रेश होने की वजह से गैस एक दूसरे के गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं वो गैशियर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं इसकी आसान एग्जाम्पल मैं आपको दूँगी जो सी एन जी होते हैं वहाँ पर गैस जो होती है वो लिक्विड स्टेट में कंप्रेस करके रखी जाती है ठीक है जैसे आप गाड़ियों में गैस डलवाते हैं तो वो गैस आ... होती तो ऑब्वियसली गैस है लेकिन वो उसका नाम भी क्या दिया जाता है कम्प्रेस नेचुरल गैस ठीक है क्यों क्योंकि वहाँ पे गैस को कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है तो ये गैसेस का एक मेन फिनोमेना है जिसमें गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है ठीक है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं यहाँ पर अब आपको शो किया जा रहा है कि लिक्विड स्टेट में कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसिस ही नहीं है लेकिन गैस के अंदर स्पेस इतने ज़्यादा है कि जब उन पर फोर्स डाउनवर्ड फोर्स प्ल की गई तो आपने देखा कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया पहले वॉल्यूम कितना था अब वॉल्यूम कितना हो गया और वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद जो है वो गैशियस स्टेट जो है वो कन्वर्ट होगी लिक्विड स्टेट में होपफुली uh, आपको यहाँ तक क्लियर होगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू